जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, पंचायत साग भर्ती से रिलेटेड हम हर एक लेटेस्ट अपडेट लगातार आपको दे रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। दोस्तों आज की जो जानकारी है बहुत ही बड़ी है, और पंचायत सहायकों की जो ड्यूटी लग रही है इलेक्शन में, चुनावी ड्यूटी जिसको बोल रहे हैं, वो दोस्तों उसी से संबंधित बहुत ही बड़ी जानकारी निकल के आ रही है। क्योंकि यहाँ पर मैं जैसा बताया था आप लोगों को, पंचायत सहायकों को ट्रेनर बनाया जा रहा है, और यह पंचायत सहायक बहुत ही अच्छे तरीके से काम करने वाले हैं, सबको ऐसी उम्मीद है। तो बहुत ही अच्छी बात है सभी पंचायत सहायकों के लिए कि उनको इतना अच्छा एक पोस्ट दिया जा रहा है कार्य करने के लिए, चुनावी ड्यूटी के लिए। तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से करिए। दोस्तों इसी पे आज हमारी ये वीडियो आधारित है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले और आप सही जानकारी से रूबरू हो सके, सही जानकारी को जान पाए, सही जानकारी को समझ पाए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे पंचायत सहायकों को क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं चुनावी ड्यूटी के समय, और किस तरीके से यहाँ तक कि पंचायत सहायकों को लैपटॉप्स वगैरह वहाँ पर ट्रेनिंग के वक्त दिए जा रहे हैं, उसमें सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करने के लिए वहाँ पर बोला जा रहा है, और फिर उसी को जो 5, 6 और 7 3 दिन ट्रेनिंग है उसी से वहाँ पे हर एक चीज़ दर्शाने को वहाँ पे बताया जा रहा है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, चलिए मैं दिखाता हूँ इसमें क्या है। अब देख रहे हैं दोस्तों, विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से मतदान कार्य कराने हेतु तैनात मतदान कर्मियों को प्रथम प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 5/2/2022 से 7/2/2022 तक दो पालियों में, प्रथम पाली समय पूर्वाह्न 10 बजे अपराह्न 1 बजे तक तथा द्वितीय पाली समय अपराह्न 2 बजे से सायं 5 बजे तक प्रशिक्षण स्थल श्री मुरली मनोहर टाउन स्नकोत्तर महाविद्यालय बलिया में होना सुनिश्चित है। अतः के क्रम में मतदान प्रक्रिया के संबंधित प्रशिक्षण अवधि दिनांक 5/2/2022 से 7/2/2022 पालियों में, प्रथम पाली पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 1 बजे तक तथा द्वितीय पाली अपराह्न 2 बजे से सायं 5 बजे तक मतदान कर्मियों को प्रोजेक्टर के माध्यम से कुल 22 कक्षों में प्रोजेक्टर के माध्यम से PPT वीडियो दिखाने हेतु निम्नांकित कंप्यूटर ऑपरेटर सहायक को कक्ष आवंटित किया जाता है। साथ ही निर्देशित किया जाता है कि प्रशिक्षण से पूर्व दिनांक 4/2/2022 को विकास भवन स्थित भूतल रूम नंबर 2 में श्री हरे राम सहायक जिला विकास कार्यालय बलिया मोबाइल नंबर इतना से संपर्क कर लैपटॉप चार्जर प्राप्त कर लें, चेक कर लें कि लैपटॉप चार्जर चालू स्थिति में हो एवं लैपटॉप में PPD दिखाने हेतु एडोब रीडर PDF तथा वीडियो दिखाने हेतु संबंधित सॉफ्टवेयर उपलब्ध है या नहीं। यदि नहीं है तो प्रशिक्षण से पूर्व समस्त सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें। यदि प्रशिक्षण के दौरान किसी प्रकार की प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न होती है तो आपकी जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी तथा इसके विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही संपादित की जाएगी। दोस्तों आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे आपको सिस्टम दिए जा रहे हैं, एक दिन पहले उसमें तमाम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने को बोले जा रहे हैं। अगर इंस्टॉल नहीं है तो दोस्तों बहुत ही नॉर्मल सॉफ्टवेयर है PDF रीडर, यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही ज़रूरी होगा यहाँ पर इंस्टॉल करके रखना, और लगभग हर सिस्टम में इंस्टॉल ही होते हैं, लेकिन आप चेक जरूर कर लीजिए। इंस्टॉल ना हो तो आप ज़रूर इसको इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पर PDF रीडर तथा वीडियो दिखाने से संबंधित सॉफ्टवेयर, यानी कि VLC प्लेयर आप ले सकते हैं, टोटल वीडियो प्लेयर है, बहुत सारे प्लेयर हैं, आप लोग उसको चला सकते हैं, देख सकते हैं। दोस्तों ये तमाम जानकारी है और आप लोग इसके लिए बिल्कुल ही रेडी हो जाइए, बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी पंचायत सहायकों के कंधे पे मिलने जा रही है। दोस्तों आप बिल्कुल ही बहुत ही सावधानीपूर्वक ये कार्य करिएगा, और इससे आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, ये आप जान के चलिए, समझ के चलिए। आगे दोस्तों देखिए, कक्ष संख्या एवं कक्ष की अवस्थिति, दोस्तों क्रामिक का नाम, पद नाम, कार्यालय का नाम और मोबाइल नंबर, यहाँ पे तमाम कमरे हैं, प्रथम तल है, द्वितीय तल है, 20 मतलब जो भी है यहाँ पे तल दिए गए हैं, यहाँ पे नाम दिया गया है, जो भी लोग हैं, पंचायत सहायक का नाम दिया गया है, फिर मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे गांव दिया गया है, यहाँ पे विकास खंड दिया गया है, यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया गया है, तमाम जानकारी आपको यहाँ पे दी गई है।
आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे दोस्तों ये जो जानकारी है बलिया का है, जिला विकास अधिकारी बलिया का ये लेटर है। और यहाँ पे इस तरीके से पंचायत सहायकों को पहले विकास भवन पे बुलाया जा रहा है और फिर दूसरे दिन से वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी। एक दिन पहले आपको सिस्टम वगैरह हर चीज़ वहाँ पे दे दिया जाएगा। तो दोस्तों ये है जानकारी, उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना, मिलते हैं जानकारी के साथ अगली वीडियो। फिलहाल के लिए विदा लेंगे दोस्तों। जय हिंद।